लेक्चर नंबर टू आज के लेक्चर में हमारे पास प्रोग्राम है फ़ोर पॉइंट फिफ्टीन से लेकर फोर पॉइंट ट्वेंटी थ्री तक पहला प्रोग्राम है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द डिस्टेंस ट्रेवल एंड स्पीड ऑफ व्हीकल इट कैलकुलेट्स द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन एंड डिस्प्लेड इस पर सबसे पहले हमने देखनी है कि इनपुट कौन सी है जो चीज़ इनपुट हो जैसे डिस्टेंस है और स्पीड है उसको हम सीन कर लेंगे कैल टाइम को कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला को हम याद कर लेंगे और टाइम को फिर हम डिस्प्ले करेंगे इन आयो स्ट्रीम कोनी हो उसी तरह से डबल डिस्टेंस टाइम स्पीड डबल फ्लोट छोटी डेटा टाइप पर डबल दे ली डिस्टेंस और स्पीड को सी इन कर लिया टाइम का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड जब हम डिवाइड करते हैं तो टाइम कैलकुलेट हो जाता है तो सी आउट रिक्वायर्ड टाइम ये मैसेज है हमारे पास तो टाइम को हम सी आउट करवा देंगे तो हमारे पास टाइम जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट बेस एंड हाइट फ्रॉम यूज़र हाँ जी इसमें इनपुट क्या है बेस और हाइट इट कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ़ ट्रायंगल एरिया ऑफ़ ट्रायंगल का फार्मूला उसने यहाँ आगे दिया वो एग्जाम्स में बेटा नहीं होगा बस यहाँ तक होगा एरिया ऑफ ट्राई फार्मूला आपको खुद से याद करना होगा अब इसमें हमारे पास इनपुट है बेस और हाइट तो आपने सीन कर लिया बेस और सीन कर लिया हाइट आगे फार्मूला लगा दिया वन बाई का मतलब ज़ीरो है जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट लगाया तो एरिया में कैलकुलेट हो गया तो सी आउट एरिया आपने डिस्प्ले करवा लिया बेटा ये सेट प्रिसन जो होता है ये ये होता है कि इशारिया के बाद कितनी वैल्यूज आए लेकिन आपको नहीं याद रहेगा किस प्रोग्राम में आपने क्या करना है तो इसको सेट प्रिसन को आप ख़त्म कर दें एक तरह से तो आप मैसेज लिखेंगे सी आउट एरिया और आगे एक्सट्रेक्शन ऑपरेटर और एरिया ये आप इस तरह से उसका डिस्प्ले करवा लेंगे नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्राम 4.18 पॉइंट एटीन राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स टेम्परेचर फ्राम यूज़र इन सेल्शियस तो आपके पास जो है वो इनपुट है टेम्परेचर सेल्शियस में टेम्परेचर और कन्वर्ट्स इट इनटू फॉरेन हाइट और उस इस टेम्परेचर को हम फॉरेन हाइट में कन्वर्ट करेंगे तो फॉरेन हाइट के लिए फ़ार्मूला यहाँ दिया हुआ है इसको आपने याद कर लेना फिक्वल नाइन बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई सी प्लस थर्टी टू तो आपने टेम्परेचर इन सेल्शियस सी ई एल सी इन कर लिया और फ़ॉरन हाइट का फार्मूला नाइन पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो इसलिए लगाया क्योंकि फ्लोट में लिया हुआ है हमने इशारे में लिया हुआ नाइन पॉइंट जीरो डिवाइडेड बाई फाइव पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बाई सी ई एल ये जो हमने अभी सी इन किया था प्लस थर्टी टू हमने कर लिया तो सी आउट हम करेंगे मैसेज हमने डिस्प्ले करवाया टेम्परेचर इन फ़ोरन हाइट और एफ ई आर ई एन आपने इसको जो है वो डिस्प्ले करवा दिया <coughs> नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स अ परसन्स हाइट फ्रॉम इंचेस टू सेंटीमीटर्स यूजिंग द फार्मूला फार्मूला यहाँ उसने दिया हुआ है इसको आपने याद कर लेना है कि आप जो हाइट है उसको हाइट इन सेंटीमीटर है उसको हमने कन्वर्ट uh, करना है परसन्स हाइट फ्रॉम इंचेस टू सेंटीमीटर इंचिस में दिया हुआ है सेंटीमीटर्स में आपने इसको कन्वर्ट करना है अब हाइट इन इंचेस उसने एंटर कर लिया हाइट सी इन कर लिया हाइट एच ई आई जी एच टी हाइट हो गया हाइट इन छोटा वेरिएबल भी ले सकते हैं हाइट इन सेंटीमीटर उसने लिखा हुआ ना तो एच आई सी भी ले सकते हो इक्वल्स हाइट जो इंचेस में लिया था उसको टू पॉइंट फाइव फोर के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया कन्वर्ट तो, हो गया तो सी आउट आपने कर लिया हाइट इन सेंटीमीटर नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास फोर पॉइंट ट्वेंटी राइटर प्रोग्राम दैट इनपुट रेडियस फ्रॉम यूज़र सबसे पहले इनपुट क्या है रेडियस कैलकुलेट एरिया निकालना क्या है हमने एरिया एंड सरकम दो चीज़ें निकालनी एक एरिया और एक सरकम और इनपुट क्या है रेडियस तो सीन क्या हो गया रेडियस एरिया इक्वल्स रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लायर थ्री पॉइंट वन फोर ये इसका फार्मूला है एरिया का और सर्कम का आपको पता है मैथ्स में टू पाई आर होता है पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर है टू मल्टीप्लाई बाय थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई बाय आर तो सी आई आर फिर सी आउट करवा लिया एरिया को भी तो और सी आउट करवा लिया सी ई आर यानी वो वेरिएबल जिनमें कैलकुलेशन होकर वैल्यूज़ आ रही हैं उसको आपने डिस्प्ले करवा लिया नेक्स्ट है फोर पॉइंट ट्वेंटी वन राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द फाइनल विलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई बाई टेकिंग फॉलविंग इनपुट्स फ्रॉम यूजर इनपुट क्या है वी आई और ए और टी वी आई ए और टी ये तीन चीज़ें जो हैं वो इनपुट हैं और फार्मूला हमने वी एफ का लगाना है फाइनल निकालना है मैज फिज़िक्स की क्वेश्चन है मोशन की देखें आपने सबसे पहले वी आई ए और टी सीन करा लिया एक स्टेटमेंट में भी करा सकते हैं और अलहदा अलहदा इसलिए करवाया ताकि साथ प्रॉपर मैसेज भी उसका डिस्प्ले हो और फार्मूला सिंपली लगा दिया वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए मल्टीप्लाई बाई टी ये उसका फॉर्मूला है वो लगा के वी एफ़ में आंसर आ गया और सी एफ सी सी आउट करवा दिया वी एफ को नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास राइटर प्रोग्राम दैट इनपुट्स आर थ्री डिजिट नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डिसप्लेस इट इन रिवर्स ऑर्डर बेटा इसमें ये होता है कि आपके पास एक थ्री डिजिट नंबर एंटर किया जैसे यहाँ नीचे देखें फाइव वन टू अगर एंटर किया है तो आपने उसको इसका रिजल्ट जब आएगा टू वन फाइव उल्टा कर दिया सारे को तो उसको करने के लिए हमें दो ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे एक स्लैश जिसे जिसे हम डिवीजन भी कहते हैं और मॉडुलस परसेंटेज स्लैश ऊपर वाली वैल्यू देता है और परसेंटेज साइन जो है वो नीचे थ्री डिजिट है तो हंड्रेड से करेंगे फाइव डिजिट से तो टेन थाउजेंड से करेंगे जितने डिजिट्स नंबर होगा उतने उससे उत, एक कम ज़ीरो से यानी सौ हंड्रेड से थ्री डिजिट है तो हंड्रेड से होगा उसको स्लैश किया ए में ले गए और फिर उसके बाद परसेंटेज किया तो उसके साथ फिर इनको ऑपोजिट साइन में डिस्प्ले करवा दिया इसके लिए मैंने छोटी सी एक वीडियो सेपरेट बनाई उसको आप देख लीजिएगा लास्ट प्रोग्राम है हमारे पास राइट है प्रोग्राम दैट इन टू फाइव जैसे थ्री डिजिट्स नंबर है इसी तरह से फाइव डिजिट्स नंबर होगा तो हम इसको वन थाउजेंड से जो है टेन थाउजेंड से हम पहले इसको इसको स्लैश करेंगे फिर थाउजेंड से फिर हंड्रेड से फिर वन 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 ज़ीरो जो है वो हम कम करते आएंगे और फिर इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जो नीचे से ऊपर की तरफ जो है हम इसको डिस्प्ले करवा लेंगे थैंक यू